रिजल्ट देखने के टाइम मेरा हाथ एकदम कप कप आ गया कि अब इस पीडीएफ में मेरी लाइफ है वो डिसाइड होगी। जैसे वो मॉडल टेस्ट दे देते थे उसके बाद मैं उनको करने की कोशिश करती थी, जैसे जो मार्क्स आते थे उस अकॉर्डिंग फिर अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती। उसके बाद मेनली मैंने ऐसे स्टार्ट किया मेजर सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, मेनली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको मैंने लिखा। फिर उसके बाद इस तरह से मैंने अपने नोट्स बनाए, व्हाट आर द 3 मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सर थे, उन्होंने पूछा कि अगर आप इतने कॉम्पिटिटिव हो तो आप अपने मदर से भी कॉम्पिटिशन कर सकते हो, इसका मतलब आप किसी भी ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है पर अगर आपकी मेहनत उसमें 100% है और आपके साथ अपने माता पिता का आशीर्वाद है तो आप हमेशा उन दोनों चीज़ों को लेकर आप किसी भी ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। जैसे मैंने किया है वैसे आप भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ शिवानी शर्मा मैम हैं जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो रिजल्ट आया है उसमें ये 165 रैंक के साथ सेलेक्ट हुई हैं। ये अलवर में रही हैं, ये कहीं बाहर नहीं गई हैं, अलवर में रहकर इन्होंने अपनी प्रिपरेशन किया है। कैसे इन्होंने नोट्स बनाए हैं, क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही है, क्या इनका मोटिवेशन रहा है, टाइम टेबल इन्होंने क्या फॉलो किया है, क्या बुक लिस्ट इन्होंने फॉलो किया है, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और चूंकि मैम को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 2016 में जो RAS का रिजल्ट आया था उसमें भी मैम सेलेक्ट हुई हैं, तो मैम से हम बातचीत करेंगे। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बोला। आप लोगों को बहुत मेहनत करता हूं मैं, दिल्ली से चल के अलवर में आया हूं मैं। मैम आपको मैनी कंग्रेचुलेशन कि आप RAS में सेलेक्ट हुई हो। थैंक यू सो मच। और मैं आपको भी बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आप दिल्ली से मेरे लिए ये वीडियो शूट करने आए हैं। थैंक यू सो मच। मैम आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या? मैं अलवर से हूँ और मैंने अपनी पूरी जो स्टडी है वो अलवर से ही की है। मैंने बीटेक के बाद ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। और फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो मैंने 2016 में दिया था और 2018 में ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था जिसमें मेरी 165 रैंक बनी है। मैम आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है? मैंने जो 10th है वो भी सेंट एंसलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर से की है एंड 12th भी सेंट एंसलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर से की है। उसके बाद मैंने बीटेक जो है वो पुन्नम्मा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर से किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जिसमें भी मैंने पूरे राजस्थान में टॉप किया था, टॉप 5th रैंक थी मेरी। और मुझे उसके बाद से ही ये था कि मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है और मैंने सिविल सर्विसेज की उसी टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। आपका फैमिली ग्राउंड क्या है? बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप उससे बताना चाहोगे? हाँ ज़रूर। मेरे फादर हैं वो RSCIT में हैं और मेरी मदर हैं वो महिला एंड बाल विकास में कार्यरत हैं। ओके मैम, आप जब सेलेक्ट हुई हैं 2016 में आप सेलेक्ट हुई थी, अभी 2018 में भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आपने इसे कैसे सेलिब्रेट किया और इस सफलता को किसे डेडिकेट करना चाहोगे? 2018 का रिज़ल्ट जो है वो 13 जुलाई को आया था, तो रिज़ल्ट का ये था कि 3 बजे दिन में आ जाएगा, बट मैंने सुबह के 7 बजे से RPSC की साइट खोली हुई थी कि रिज़ल्ट अब आएगा और रिज़ल्ट आया था रात के 11:30 बजे। उस टाइम मेरे माता पिता को मैंने कहा कि आप लेट जाइए, मैं अपना रिज़ल्ट ज़रूर देख लूँगी, पर मेरे माता पिता ही नहीं इसके साथ मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो भी जगे हुए थे। फिर जैसे ही एक बार PDF आया तो जब रिज़ल्ट देखा तो एकदम फर्स्ट टाइम मेरा जो एकदम रिज़ल्ट देखने के टाइम मेरा हाथ एकदम कप कप आ गया कि अब इस PDF में मेरी लाइफ है वो डिसाइड होगी। जैसे ही मैंने अपना रोल नंबर देखा और मेरी 165 रैंक थी तो सबसे पहले मेरी माता मेरे पास थी, तो वो खुशी के मारे उनके आंसू निकल गए और सीरियसली मेरे जो पापा हैं उनको जैसे ही मैंने कॉल किया तो वो भी रोने लगे। तो मैंने ये कहा कि आप सब लोग रो क्यों रहे हैं, ये एक बहुत खुशी का मौका है। और पहली बार ऐसा हुआ था कि उस रात मैं सोई नहीं और हमने खूब सेलिब्रेट किया और फिर सारे जो मेरे सारे रिलेटिव्स हैं अगले दिन अखबार में आ गया तो सब ने बहुत शुभकामनाएं दी और बहुत खुशी का माहौल हो गया था घर में। ओके तो हम अब स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं, तो प्रिपरेशन के दौरान आपका टाइम टेबल क्या हुआ करता? प्रिपरेशन का ये था कि मेरा मैं अर्ली मॉर्निंग किड हूँ, मतलब ये है कि मैं 4 बजे सुबह उठ जाती हूँ। सुबह डेली एक्टिविटीज़ करने के बाद मेरा पहले से एक दिन पहले मैं टाइम टेबल डिसाइड करती थी कि मुझे किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो उस अकॉर्डिंग मैं अपना टाइम टेबल डिसाइड करती थी। स्टार्टिंग में 4:00 से 5:00 मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर देती थी और 5 to 10 ये मेरा सबसे पीक आवर होता था जो भी मुझे पढ़ना होता था।
फिर 10 के बाद मैं अपनी, फिर उसके बाद जैसे लंच कर लिया, ये सब कुछ करने के बाद फिर दोबारा नेक्स्ट स्टडी मेरी 2:00 स्टार्ट होती थी। उसमें मैं मेनली जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करती थी 2 to 3 या 3 to 4, 2 घंटे रिवाइज़ करने के बाद शाम के टाइम। फिर उसके बाद बीच का टाइम मैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने के बाद फिर 5:00 स्टार्ट करती थी। और 5:00 ये है कि मेनली जो कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज़ हैं और जो भी मेरे जैसे मैंने एग्ज़ाम्स जो लगा रखे थे उनको मैं देती थी, और शाम के टाइम मैं ये रखती थी मेनली, ऐसा मेरा रूटीन था। मैम पीटी क्या आपका अप्रोच क्या था, आरएस के पीटी के प्रिपरेशन आपने कैसे करी थी और बुक लिस्ट आपने कौन कौन सा फॉलो किया था? पीटी का सबसे पहले तो आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके कुछ पॉजिटिव्स होंगे। जैसे मैं एज ए इंजीनियर हूँ तो मेरा हिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हिस्ट्री में जैसे एंशंट आता है, मिडविल आता है, मॉडर्न आता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो मेरा स्ट्रॉन्ग था तो उसको मैंने विजन आईएएस से अपना कंप्लीट किया। एंशंट और मिडविल वो है वो मैंने वाजीराम रवि से जो उनकी येलो बुक्स आती हैं उनको मैंने कवर, उनसे मैंने अपने आप को कवर अप किया। बट ये है कि जैसे इकोनॉमिक्स हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, बुक्स मैथ्स हो गई, मैथ्स में रीजनिंग 20 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं तो उसके लिए रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे रीजनिंग की बुक है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये रीजनिंग की बुक यहाँ पे है आर एस अग्रवाल की। ऐसे ही रीजनिंग की जो दूसरी बुक है जो एप्टीट्यूड के लिए, उसको मैंने यूज़ किया। सिर्फ उन बुक से डेली क्वेश्चंस लगाए, उसके बाद एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने अपने आप को कवर अप किया। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए मैंने राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे पढ़ाई की है। राजस्थान की हिस्ट्री के लिए ये है कि मैंने भल्ला बुक जो थी उसको पढ़ा है और वही मैंने ज्योग्राफी के लिए पढ़ा है। एक बार जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए ये ज़रूर है कि हिंदी की बुक को स्टार्टिंग में पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बट मैंने उसको एक बार पढ़ा, उसके बाद रेगुलर में पढ़ते गए तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी उसको पढ़ सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने एनसीईआरटीज को यूज़ किया है और आरबीएससी की बुक्स हैं उनको यूज़ किया है। उसके साथ पॉलिटी जो हो गई उसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत को यूज़ किया है। और मैं बताना चाहूँगी इसके साथ जैसे करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स की जो राजस्थान की सूजस पब्लिकेशन आता है उसको मैंने यूज़ किया है। ये सारी स्टडी एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने कवर अप जब कर ली है उसके बाद मैंने 2 to 3 टेस्ट सीरीज़ जो हैं डिफरेंट कोचिंग्स की लगाई हैं। उसमें क्वेश्चंस जैसे वो मॉडल टेस्ट दे देते थे उसके बाद मैं उनको करने की कोशिश करती थी, जैसे जो मार्क्स आते थे उस अकॉर्डिंग फिर अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती थी। रिवीजन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से किया। मैम जो है पीटी और मेंस का कहीं ना कहीं बुक जो है सिमिलर ही है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन पीटी तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें सिर्फ क्वालिफाई होना है, मेंस में आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंसर राइटिंग में अपना स्किल कैसे डेवलप करें, कभी आप ही बिगिनर रही होंगी और टॉपर को एक बिगनर ही सुनते हैं, तो आप बिगनर रही हैं तो उस समय का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था और कैसे कैसे आपने इम्प्रूव करके और ख़ुद मैंने आरएएस में इतने अच्छे पोस्ट के साथ सेलेक्ट हुई? आंसर राइटिंग के लिए मैंने ऐसे किया था कि इनिशियली जब मैंने 2016 में स्टार्ट किया था तो जब क्वेश्चंस मेरे सामने आते थे तो नहीं समझ में आता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 10 मार्क्स क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स क्वेश्चन में आपको 2 पेजेस अगर आपको भरने हैं तो आपको पूरा कंसेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये है कि एक कंसेप्ट को लास्ट में जब 2018 में इसको मैंने कोशिश करी कि इस तरह से मैं करूँ, उसमें मैं ऐसे करती थी कि इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन, इस तरह से मैंने सारे आंसर्स जो हैं वो लिखे हैं अपने टेस्ट में भी। और इसके लिए मैं ये करती थी कि ये इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन बनाने के लिए मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। पहले मैंने अपने बिग नोट्स बनाए और उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाए। मैं दिखा भी सकती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बिहेवियर के लिए ये शॉर्ट नोट्स बनाए, तो जब मेरा एग्ज़ाम था तो बस इन शॉर्ट नोट्स के थ्रू मैंने अपना कवर अप किया। जो मेन नोट्स मैंने बिग नोट्स बनाए थे उनसे मैंने इन शॉर्ट नोट्स को बनाया है। तो यही है कि आप तैयारी करते हैं तो पॉइंट्स में आप जैसे टेस्ट सीरीज़ आप स्टार्ट कर देते हैं तो इन शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप टेस्ट सीरीज़ कोई सी भी आप देते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं अगर कुछ रह गया है तो आप इन शॉर्ट नोट्स से आप कर सकते हैं, ऐसे मैंने किया है। मैम जैसा कि आपने नोट्स का नाम लिया है, नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कहते हैं कि क्या नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है या फिर नोट्स बिना बनाए भी मतलब प्रिपरेशन की जा सकती है? आपके पास कोई नोट्स है प्रॉपर नोट्स तो उसको बताएं कि एक टॉपर नोट्स कैसे बनाते हैं।
सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये प्रिपरेशन सिर्फ कुछ मंथ्स की नहीं है, कुछ ये ईयर्स की है, 2 to 3 years इसमें लगता है। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल कुछ भी पढ़ा है तो उसको आप 3 साल तक कैसे याद रख सकते हो, उसको नोट्स के थ्रू ही याद रख सकते हो। इनिशियली मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आई थी, अगर आप नोट्स फॉर एग्जाम्पल कॉपी में नहीं बनाना चाहते हो तो आप लैपटॉप पर भी बना सकते हो। काफ़ी सारे नोट्स मेरे लैपटॉप पर भी हैं, जैसे मैं दिखाना चाहूँगी मेरी जो कॉपी है, एक मैं दिखाना चाहूँगी इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के नोट्स इस तरह से मैंने अपने बनाए थे। ये जैसे इंडियन इकोनॉमी है, इसके लिए मैंने नोट्स बनाए थे। सबसे पहले मैंने अपना सिलेबस जो है वो ऐसे लिखा, जो है जैसे ये 4 points हो गए। फिर उसके बाद मेनली मैंने ऐसे स्टार्ट किया, मेजर सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, मेनली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको मैंने लिखा। फिर उसके बाद इस तरह से मैंने अपने नोट्स बनाए, व्हाट आर द 3 major sectors ऑफ इकोनॉमी। फिर स्टार्टिंग मेरी पहला जो सब पॉइंट था वो एग्रीकल्चर था, उसको एग्रीकल्चर को मैंने लिया। फिर ओवरव्यू एग्रीकल्चर ऑफ जीवीए, क्रॉप प्रोडक्शन, ऐसे सब पॉइंट्स मैं बनाती गई। स्ट्रक्चर चेंजेस इन सेक्टर्स, फेमिनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग पैटर्न्स, इनपुट मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, इस तरह से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। और नोट्स में ये है कि काफ़ी नोट्स फिर जब रिवाइज करती थी तो इस तरह से मैं अपना रिविज़न करती थी, जो ये पेन्स हैं ये यूज़ करके मैं इनका रिविज़न करती थी इस तरह से। मैम, एनसीईआरटी पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है? बिना एनसीईआरटी पढ़े क्या सिलेक्ट हुआ जा सकता है, नहीं हुआ सकता? आपका एक्सपीरियंस इसमें क्या कहता है कि एनसीईआरटी पढ़ना इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं है? मैं एक इंजीनियर हूँ, इसलिए मुझे एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं इसको मानती हूँ, इसका मेन रोल है। बिकॉज जैसे 4th paper फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान का जो है वो हिंदी और इंग्लिश होता है, तो जो एज ए इंजीनियर मैंने लास्ट हिंदी जो पढ़ी थी वो 10th class में पढ़ा था, तो 10th से काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है कि आप टच में नहीं होते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे पब एड हो गया, पॉलिटी हो गया, तो उसके लिए आप एक इनिशियल स्टार्ट कैसे लोगे? तो और इनिशियल स्टार्ट प्लस एनसीईआरटी का एक बेनिफिट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो पीछे क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं उसी से ही डायरेक्ट जो है मेंस में उनको उठा लिया जाता है, मतलब क्वेश्चंस को उठा लिया जाता है। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें एक चीज़ आती है कि एनसीईआरटी के नोट्स बनाएं या ना बनाएं, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितना टाइम इसमें लगेगा। कि फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स, अब जैसे कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में दोबारा नेक्स्ट प्रीलिम्स की वैकेंसी आ रही है, तो उसके लिए ये है कि फास्टली अगर आपको करना है तो आप 1 से 2 readings उसकी ले लीजिए। और एनसीईआरटीज़ ये हैं, मैंने सारी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, क्योंकि एकदम इनिशियल स्टार्ट एनसीईआरटी की ज़रूरत होती है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे हिंदी है, हिंदी के लिए एनसीईआरटी की बुक्स मैंने रेफ़र नहीं की थी, मैंने आरबीएससी की बुक रेफ़र की थी। उसमें जो मुहावरे, मेनली व्याकरण जो होती है उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस वो डायरेक्ट आ जाते हैं, तो उसके लिए मैंने आरबीएससी यूज़ किया था। ओके मैम, जहाँ भी मैं जाता हूँ, जिससे भी मैं इंटरव्यू करता हूँ टॉपर के साथ, तो वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड में जब उनका रियल इंटरव्यू होता है कहीं पे, जो राजस्थान पीसीएस के जो वहाँ पे बोर्ड के मेंबर करते हैं, तो कोई ना कोई एक यूनिक क्वेश्चन होता है। बिहार में ही बहुत सारे यूनिक क्वेश्चन मुझे सुनने को मिले, आपके साथ कोई यूनिक क्वेश्चन पूछा गया था क्या इंटरव्यू बोर्ड के माध्यम से? कोई यूनिक क्वेश्चन था तो प्लीज़ मेंशन करें। बिल्कुल, मेरे से मेरा जो इंटरव्यू है अराउंड 30 minutes चला था, और मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि आप अपनी वीकनेस बताइए। तो मैंने अपना ये क्वेश्चन तैयार कर रखा था, तो मैंने उसमें फ़र्स्ट वीकनेस अपनी बताई थी कि मैं बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ। तो जो सर थे उन्होंने पूछा कि अगर आप इतने कॉम्पिटिटिव हो तो आप अपनी मदर से भी कॉम्पिटिशन कर सकते हो इसका मतलब? तो कहीं ना कहीं वो उसके बाद सब हंसने लग गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने यही बताया कि नहीं सर, मैं अपनी मदर से कॉम्पिटिशन नहीं कर सकती हूँ, उनसे मैं सीख सकती हूँ। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी हमेशा याद रहेगी कि इंटरव्यू में भी मुझसे ऐसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये मेरा एक क्वेश्चन था। मैम, टू बींग ह्यूमन, सबको डिमोटिवेशन फील होता है, किसी भी सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे किसी प्रोफेशन में हैं, तो आपने भी कभी से फील किया हो? हालांकि बहुत ही सब्जेक्टिव, बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, हर इंसान का डिमोटिवेशन को हैंडल करने का अलग अलग तरीका होता है, आपने पर्सनली डिमोटिवेशन कैसे हैंडल किया? डीमोटिवेट तो एक टॉपर भी होता है, बिकॉज इसमें काफ़ी टाइम लगता है, 3 to 4 years लगते हैं। तो डीमोटिवेशन के लिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी मेरी फैमिली, जिन्होंने मुझे हमेशा पॉजिटिव रखा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि पॉजिटिविटी के लिए अगर आपके पास 4 लोग भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 लोग आपको पॉजिटिव बूस्ट आउट करते हैं, तो आप उनके साथ रहिए, नेगेटिव लोगों को हमेशा अपने से दूर रखिए। और मेरे जो पिता थे उन्होंने मुझे इतना पॉजिटिवली वो करा कि
पॉजिटिवली अगर आप बूस्ट आउट रहते हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी की, आप आराम से पढ़ाई करेंगे और आपको किसी भी चीज़ की कभी कोई नेगेटिव ख्याल ही नहीं आएगा। और भगवान हमेशा मेरे साथ था। और प्रैक्टिस योगा कीजिए जितना हो सके, योगा ये है कि आपके मेंटल बूस्ट आउट को बहुत इंक्रीज़ करता है, तो मैं ये कहना चाहूँगी। मैम लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको तमाम एस्पिरेंट और स्टूडेंट आपको सुनेंगे, आप एक टॉपर हो, तो उनके लिए दो शब्द आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो आप किसी भी ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, पर अगर आपकी मेहनत उसमें 100% है और आपके साथ अपने माता पिता का आशीर्वाद है, तो आप हमेशा उन दोनों चीज़ों को लेकर आप किसी भी ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। जैसे मैंने किया है वैसे आप भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच शिवानी मैम कि अपना प्रोसेस समय निकाल कर आपने हमसे बात किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगी, जो भी नीति निर्माता का कार्य आपको सौंपा जाएगा उसको आप पूरा करके जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए भाग विधाता के तौर पे काम करोगे। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच। एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं तुम्हें भी बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि तुम इधर आए और मेरा इंटरव्यू लिया। इट्स अ ग्रेट प्लेजर मीटिंग यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल्सो। मैम ये तुम्हारा काम ही है कि हम अच्छे अच्छे टॉपर्स को ढूंढ के लाते हैं अपने चैनल पर और दिखाते हैं। तो दोस्तों ये शिवानी मैम थी जो 165वीं रैंक के साथ RS में सेलेक्ट हुई हैं। तो अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे किसी और नए टॉपर के साथ। दोस्तों हमारे साथ शिवानी मैम की माता जी हैं, हालांकि इनके पिताजी तो अभी यहाँ पे नहीं है, ऑफिस गए हुए हैं, तो वो भी कुछ कहते हैं शिवानी मैम के बारे में कितना प्राउड फील कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं। आंटी जी हैं तो इनसे हम बातचीत करेंगे। आंटी जी भी एक ऑफिसर ही हैं, CDPO पोस्ट पर भी हैं। तो आंटी जी कैसा फील हो रहा है आपकी बेटी ऑफिसर बनी है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं सभी बेटियों से ये कहना चाहूँगी कि वो भी इसी तरह से मेरी बेटी की तरह मेहनत करें और आगे तरक्की करें। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी पर उसका फल अवश्य मिलेगा। तो मैं सभी बेटी और जो सुन रही हैं उन सभी के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से देना चाहूँगी और मैं मेरी बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। सुवांटी जी आपको मतलब पूरा यकीन था कि आपकी बेटी आपकी एक दिन ऑफिसर बनेगी, आपको ऐसा लग रहा था? पढ़ने में पहले कैसी थी और कितना मेहनत कर रही थी? शुरू से ही बचपन से ही मुझे लगता था कि मेरी बेटी कुछ अच्छा बनेगी और मैंने इस तरह के इसको डेवलप किया, खुद पढ़ाई की तरफ रुझान इसका किया और इसका पहले से था भी, तो बहुत ही अच्छी मैं कहती हूँ मेरी जैसी बेटी भगवान सबको दे कि इसका बहुत ही अच्छा हमारे फैमिली में भी सहयोग रहा और साथ में इसने हमारा नाम रोशन किया। जी सुवांटी जी, ये जो रिजल्ट इनका हुआ राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, इससे आप संतुष्ट हैं कि और कुछ इनसे चाहती हैं भी आप? नहीं, अगर ये पढ़ाई करती रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को आगे तक पहुंचा सकती है, क्योंकि हम एक साधारण परिवार से हैं लेकिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा और हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ भी सर्विस में रहे और सबके लिए अच्छा करा। और यही चाहती हूँ कि बेटी भी और आगे अगर इसका मन है तो पढ़े और पढ़ाई में अपना करके और आगे अच्छा वो करके दिखाए। आंटी जी बेटी अपन बहुत किया इस, लेकिन हमारे से बेटों का क्या होगा उसके बारे में तो सब कही है कि बेटे ज़्यादा नालायक होते जा रहे हैं कि आज के समय में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेटे भी, मेरा बेटा है इससे 5 साल छोटा है, वो भी अभी बीटेक करके चुका है और मैं उन लोगों के सब बेटों के लिए भी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि जो भी पढ़ेगा, जो भी मेहनत करेगा और जो भी सफलता के लिए कोशिश करेगा उसको जरूर मेहनत कभी खराब नहीं जाती, जरूर उनको सफलता मिलेगी। तो इसलिए अपना मेहनत करें और आगे बढ़ें। तो दोस्तों ये शिवानी मैम की माता जी हैं, आप देख सकते हैं कि कितना हलादित है, इनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, एक टॉपर की माँ ही ऐसा फील कर सकती है। तो आप भी मेहनत करेंगे, एक दिन ऐसे ही एक दिन सफल होंगे तो आपकी माता जी पिताजी इस तरह से आएंगे और सारे लोग सुनेंगे। और हलादित वाला भावना एक टॉपर की पेरेंट्स की जो होती है उसे कोई अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आंटी जी कितना हलादित हैं। अब तो खैर यूट्यूब में देखोगे तो मेहनत करते रहना और आगे बढ़ते रहना।